तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वोकल विद इंडियन प्रोडक्ट्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो कि आपको काफ़ी यूज़ होने वाला है और काफ़ी आपको यूज़फुल लगने वाला है। तो क्या आप एक ऐसे प्रेशर कुकर के तलाश में हो जिसमें आप राइस भी बना सके, वेजिटेबल्स भी बॉइल कर सके, कुछ स्टीम भी कर सके, जिसमें आप सब्जी भी बना सके? सो यस, इट इज़ हेयर। ओरिजिनल ऑल इन वन सुपर कुकर जो कि है 3 लीटर कैपेसिटी 5 ईयर वारंटी के साथ। तो इसके साथ हमें ये इस तरीके के लिड्स मिलते हैं। एक तो है ये स्टील लिड जो कि स्टीमर आप जिससे स्टीम कर सकते हो, एक प्रेशर कुकर लिड और एक है सी थ्रू लिड जो कि ग्लास लिड है। तो चलिए अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया कि आपको 5 ईयर की वारंटी इसमें दी जाती है, थोड़ा सा बुकलेट दिया जाता है जिसमें हमें एक वारंटी कार्ड मिलता है, उसको फिल करके हम अपने पास रखेंगे। जब भी हमें प्रोडक्ट में कुछ इशू है तो हमें स्टॉल पे नंबर पे कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर करना है और हमें हमारे प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि मुझे अमेजोन चॉइस वाला पिजिन बार स्टोक्राफ्ट ऑल इन वन सुपर कुकर 3 लीटर दिखाई दे रहा है। उस पर प्राइम का टैग ऑलरेडी दिया गया है। अगर मैं उस पर क्लिक करूँ, अगर मैं ये प्रोडक्ट बाय करती हूँ और मुझे कुछ इशू आता है, जैसे कि कुछ मुझे रिप्लेस करना है इसके रिगार्डिंग, तो आप नीचे देख सकते हो। इसको स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे देख सकते हो, इन स्टॉक में आपको सोल्ड बाय क्लाउडटेल इंडिया एंड फुलफिल्ड बाय अमेजोन, जहाँ पर भी आपको लिखा हुआ नज़र आएगा फुलफिल्ड बाय अमेजोन, तो अमेजोन उसका रिप्लेसमेंट आपको जल्द से जल्द विदिन 1 और 2 डेज में आपको दे देगा। तो फ्रेंड्स, इसको जो ऑल इन वन या सुपर कहा गया है वो इसके लीड के वजह से। इसके साथ ही हमें मिलती है एक स्टेनलेस स्टील स्ट्रेनिंग लीड, एक सर्विंग लीड और एक प्रेशर कुकर लीड। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस कुकर की बात करूँ तो इसका लुक काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी हटके है, जो कि अपने नॉर्मल कुकर से काफ़ी अलग है। प्योरली हार्ड एनोडाइज से बना है जो कि हाई ग्रेड एल्यूमिनियम होता है। इस तरीके से इसका लुक भी काफ़ी अलग है। इसका लुक हंडी की तरह लग रहा है, जो कि हम होटल वगैरह में देखते हैं हंडी में हमें सर्व किया जाता है, उस तरीके की हंडी ये लग रही है। उसके साथ ही हमें 2 हीट रेसिस्टेंट हैंडल दिए गए हैं। फ्रेंड्स, इसमें हार्ड एनोडाइज जो है वो अंदर भी है और बाहर भी है, जो आप देख रहे हो पूरी तरीके से बाहर भी एकदम अच्छी फिनिशिंग दी गई है हमें। साथ ही इसके हैंडल में हमें एक फ्लेम गार्ड दिया गया है जो कि हमारे हाथों को गर्म होने से बचाता है। प्योरली हार्ड एनोडाइज है और जो कि हाई ग्रेड एल्यूमिनियम से बना हुआ है। और इसके पीछे मैं अगर बात करूँ तो हमें हेवी बॉटम बेस दिया गया है जो कि इंडक्शन बेस है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मेड इन इंडिया स्टोक्राफ्ट लिमिटेड पिजिन 3 लीटर कैपेसिटी। आप इसको गैस में भी यूज़ कर सकते हो। और हेवी बॉटम बेस होने के कारण क्या होता है, हेवी बॉटम बेस और एल्युमिनियम होने के कारण हमारा जो खाना है वो जल्दी पकता है, हमारी कुकिंग प्रोसेस फास्ट होती है, जिससे हमारी एनर्जी भी बचती है और हमारा टाइम भी। अब इसके लिड्स को हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लिड की हम बात करते हैं तो हमें एक स्टेनलेस स्टील की स्टेनिंग लिड दी जाती है, जिसमें ये स्टेनिंग होने के कारण हमारा जो कुकिंग प्रोसेस है वो आसान हो जाता है। जब हम इसमें राइस पकाएंगे तो हमें अलग से पानी निकालना हो तो हम इस होल में से पानी निकाल सकते हैं। उसके साथ ही हमें एक हीट रेजिस्टेंट होल्डर दिया गया है, जब भी ये गर्म हो तो हमें इस तरीके से इसे उठाकर अंदर पका है या नहीं वो देख सकते हैं। मिरर फिनिश दिया गया है, काफ़ी स्मूथ है, कहीं पे भी आपको शार्पनेस नज़र नहीं आएगी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट लिड। तो फ्रेंड्स, ये है सर्विंग लिड जिसमें हमें एक होल दिया गया है, जो भी हमारा स्टीम होगा वो इस होल के थ्रू बाहर पास हो जाएगा। और इसके साथ ही हमें सेम हीट रेसिस्टेंट होल्डर दिया गया है जिसको हम ऐसे इस तरीके से उठा सकते हैं। ये सी थ्रू होने के कारण इसके अंदर जो भी पका हुआ है, जो भी आप सब्जी पकाए राइस पकाए, तो हम इसमें देख सकते हैं। ये भी स्मूथ है, कहीं पे भी इसमें आपको शार्पनेस नज़र नहीं आएगा, इसके एजेस काफ़ी स्मूथ है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट लिड। तो यह है फ्रेंड्स हमारा प्रेशर कुकर लिड। इसके साथ ही हमें 2 हीट रेजिस्टेंट हैंडल अलग से दिए गए हैं और उसके साथ में हमें एक वेट वॉल्व दिया गया जिसे हम सिटी कहते हैं, वो भी हमें हीट रेजिस्टेंट दी गई है वो। और यहाँ पर है मेटेलिक सेफ्टी प्लग,
प्रेशर कुकर लिड की मैं अगर बात करूँ तो इसको हमें एक मिरर फिनिश दिया गया है और इसमें कहीं भी आपको शार्पनेस नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स अभी हम प्रेशर कुकर के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। प्रेशर कुकर की लिड आपको हमेशा अच्छी तरीके से लगाना है, अच्छी तरीके से प्रेस करके लगाना है और चेक करना है ये प्रॉपर तरीके से लगी है या नहीं लगी। ऐसे नहीं कि ऊपर से लगा दिया, लूज रखा और छोड़ दिया तो वो बहुत डेंजरस हो जाएगा। हम जब भी इसकी लीड लगाए तो शुरुआत में ही लगेगी नहीं, तो हमें इसको थोड़ा सा प्रेस करके लगाना होगा। तो फ्रेंड्स प्रेशर कुकर में ये होता है वेट वॉल, जिसे हम कुकर की सीटी कहते हैं, और ये होता है सेफ्टी प्लग और इसे कहते हैं वेंट ट्यूब। तो आप जब भी खाना पकाने के बाद इसको वॉश करें तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो वेंट ट्यूब है वो हमेशा क्लीन रहे, उसमें ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये आर पार आपको दिखना चाहिए सेफ्टी प्लग। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका सेफ्टी प्लग एवरी ईयर हमें रिप्लेस करना चाहिए विद द ओरिजिनल सेफ्टी प्लग ऑफ किचन, क्योंकि इसकी कुकिंग प्रोसेस है वो स्मूथ हो और अच्छी तरीके से हो। प्रेशर कुकर के लीड में हमें फूड ग्रेड गैसकेट दिया जाता है जो कि हमारे कुकिंग प्रोसेस को आसान बनाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसे किचन रिलेटेड न्यू प्रोडक्ट्स की वीडियो अगर देखना चाहो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो उसे प्लीज़ आप देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।